yes we are live now hello friends this is Imanchi and welcome to let's learn hopefully आप सभी बढ़िया होंगे मस्त होंगे जबरदस्त होंगे सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम हाउ डू यू फील कनेक्टेड विद स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 20th अगस्त को आपका एग्जाम है और आपके पास दो महीने से भी कम समय है लर्निंग एंड पेडागोजी अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र जब आप सिलेबस देखते हैं सीटेट का तो ये अपने आप में एक यूनिट है जो 10 नंबर की है तो मतलब तीस में से दस नंबर की एक यूनिट है और ये बहुत ईजी है अगर आप इसका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें ये दस नंबर बहुत ही लाजवाब से नंबर हैं क्योंकि अगर आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेज जेंडर सोशलाइजेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्याजे वाइगॉस की कोलवर्क डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इतना सब कुछ अगर आप पढ़ चुके हैं तो लर्निंग एंड पेडोलॉजी को डील करना उतना मुश्किल काम नहीं है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जान लेने चाहिए और इसके क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस हो जाने चाहिए क्योंकि एक सेट में अगर आप उठा करके देखेंगे चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो मिनिमम आठ से नौ क्वेश्चन नहीं तो दस क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आते ही है वो आठ से नौ में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है दो क्वेश्चन ऐसे आ गए जो ऑलरेडी दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड थे है ना चाइल्ड सेंटर्ड से ही कनेक्टेड थे या इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ही कनेक्टेड थे तो स्टार्ट करते हैं आ जाओ आप लोग फटाफट से इस ये जो टॉपिक है ये जो यूनिट है इसको हम दो से तीन दिन में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं कौन से वो टॉपिक्स हैं आपका मेमरी हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अलावा थिंकिंग इसके अलावा कॉग्निशन एंड इमोशन मोटिवेशन ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसी यूनिट में आ जाते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी के अंदर कि लर्निंग क्या है और पेडागोजी मतलब तरीके क्या रहेंगे टीचिंग मेथड्स क्या रहेंगे ये सब इसी में आ जाता है अलग से टीचिंग मेथड्स सी में नहीं पूछे जाते हैं, ये बेस्ड है पेडागोजी पर जो अब तक हमने पढ़ा है उसी पर तो इंपॉर्टेंट यूनिट है तीनों ही दिन आप कोशिश कीजिए कि इसको प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करें दस नंबर बहुत ही इजी आपको लगने लग जाएंगे बस क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच आपको जानना है कि पढ़ के आप आप समझ जाएं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कर देते हैं एज नहीं करेंगे तो भी कर देंगे मतलब भूल जाएंगे तब भी कर देंगे आज क्वेश्चन को दूसरे तरीके से टाइप करवा दिया है क्वेश्चन नंबर वन है मैं उससे पहले चलिए पूल तो अब आपके सामने आई चुका है नहीं तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो लिख करके बता देती कि बताती हूँ एक बार आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को आसान सा क्वेश्चन है बस पढ़ के समझना खेल है। 50 काम स्टार्ट करते हैं। ये प्रभु पेट पे बाण मारिए वाला सवाल है आई I मीन mean, मुश्किल कह देते हैं हम इसको क्यों क्योंकि ये वाला नया टाइप है जब से ऑनलाइन एग्जाम होना शुरू हुआ तब से ये वाला टाइप आना शुरू हुआ है ना कि टॉपिक नॉर्मल है लेकिन उसमें एक कथन और दूसरा तर्क दिया जाएगा

डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ यानी से चर्चा व संवाद यानी जो क्लासरूम में बच्चे हैं पीयर्स किसको कहते हैं हम उन्हीं को कहते हैं जो लगभग रफली ऑफ द सेम एज होते हैं यानी क्लासमेट्स हैं जो आपकी क्लास में बच्चे हैं उन वो आपस में जो भी उनके सहपाठी हैं उनको हम उनके यार हैं दोस्त हैं वट उनको हम पीयर्स कह रहे हैं तो जो पीयर्स के बीच में डायलॉग है चर्चा है परिचर्चा है डिबेट्स हैं डिस्कशन है, है इससे हिंडर होता है कि किस चीज का विकास समस्या समाधान का विकास यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कमजोर हो जाएगी बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कोई भी प्रॉब्लम बच्चे के सामने आए और वो उसको सॉल्व करने की जो क्षमता है वो कम होती है चर्चा से ये तो एकदम नेगेटिव बात है क्योंकि पूरे एग्जाम में अगर हम देखें पेडोगलॉजी में भी पूरे डिस्कशन डिबेट ये बहुत ही प्यारी चीजें हैं डायलॉग डिबेट डिस्कशन आप एग्जाम छोड़ दीजिए जीवन में भी देख लीजिए देश में भी देखिए विदेश में भी देखिए क्या करती हैं गवर्नमेंट्स भी चर्चा ही करती है ना एक तरह से देखा जाए तो समाधान निकालने का या हमारे समझ को बेहतर करने का बहुत अच्छा तरीका है डायलॉग डिस्कशन और डिबेट्स वगैरह तो ये कह रहे हैं कि ये खराब तरीका ऐसे तो है इससे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो खराब हो जाएगी तो ये बात तो गलत हो गई फॉल्स हो गई कोई जल्दबाजी नहीं पहले पढ़ के समझना है ये स्टेटमेंट गलत है ये स्टेटमेंट सही नहीं है डायलॉग और डिस्कशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंडर नहीं होती बैरियर नहीं बनता डायलॉग बल्कि क्या होती है सपोर्ट होती है समस्या समाधान बच्चे की अच्छा हो जाएगा यदि वो चर्चाओं में इन्वॉल्व होगा चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो चाहे वो टीचर्स के साथ हो

है ना तो दोनों ही बातें गलत है तो हमारे लिए इजी हो गया कि ए एन आर आर फॉल्स ठीक है ना बोथ ए एन आर आर फॉल्स जिसका जवाब आप लोग सही दे भी रहे हैं सिक्सटी नाइन परसेंट लोग बाकी के जो इकतीस प्रतिशत लोग हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं ठीक इसमें क्यों लगा आपको कि कोई और उत्तर हो सकता है इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा भाई बोथ ए एन आर आर ट्रू है ही नहीं तो ये तो हट ही गया बोथ ए एन आर आर ट्रू अगेन नहीं है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स ऐसा भी नहीं है ए भी फॉल्स ही है तो ये तो सबसे इजी सिचुएशन होती है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है स्टेटमेंट वो मुश्किल होता है जहां पे अभी मिनट पोल मत देना ठीक है 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 ये ये तो हमारा बैच की बात हो गई आज जो हम टॉपिक टॉपिक कर रहे हैं इसमें आपका लर्निंग एक ना पूरी दस नंबर की यूनिट है लर्निंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग है समस्या समाधान लर्निंग को अधिक हम कहते हैं हिंदी में है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्रिटिकल थिंकिंग या थिंकिंग कह सकते हो आप थिंकिंग आपके चैप्टर में है इसी में एक क्वेश्चन आता है थिंकिंग इसके अलावा अगर हम देखना चाह रहे हैं वो जो बच्चों के है, ये भी आपके दिया हुआ ना, में. गलतियां जो हैं है है, जिनको है, कहते है, नहीं कहते है. ठीक अगर हम बात करते हैं तो ये टॉपिक्स ये 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 मेमरी क्या है मेमरी पे भी मेमरी तो एस सच नहीं मोटिवेशन हम कहेंगे मेमरी पे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनता है बट मेमरी से वो चंक वाला जोड़ करके जैसे कल कराया था तो मोटिवेशन हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन चैप्टर आपका इसी में आ जाएगा जो बेंड्यूरा का एक क्वेश्चन आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का वो इसी में आ जाएगा तो काफी सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें आ जाएंगे इसलिए इसको अलग अलग टॉपिक में तोड़ना संभव नहीं था इसलिए मैं पूरी यूनिट को आपके साथ डिस्कस कर रही हूं क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मिले हुए हैं दस नंबर में और एक 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 नंबर के आते हैं ऐसा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको क्वेश्चन कराती रहूं तो उससे फायदा नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन एक ही आएगा ठीक तो और भी एक दो टॉपिक्स इसमें हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप पोल में जवाब दीजिएगा व्हाट काइंड ऑफ गोल्स यानी कैसे गोल्स सेट किए जाने चाहिए व्हाट काइंड ऑफ गोल्स शुड आर टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू सेट यानी कैसे एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए यानी ये मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन है और डायरेक्टली नहीं है इनडायरेक्टली है क्योंकि मोटिवेशन के तीन ओरिएंटेशन होते हैं हमारे लर्निंग के लिए हम तीन ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं तो बच्चों को किस तरह के गोल्स सेट कराने हैं जिससे बच्चे मतलब टीचर को कैसे गोल्स सेट कराने चाहिए बच्चों को प्रोत्साहित या मोटिवेट करना चाहिए किस तरह के गोल्स लर्निंग के वो सेट करें मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जिसको प्रदर्शन उन्मुख कहते हैं महारत उन्मुख कहेंगे मास्टरी ओरिएंटेड को फेलियर एक्सेप्टिंग यानी विफलता को स्वीकार करने वाले या फिर फेलियर अवॉइडेंस असफलता से बचने वाले अब इस पे हम चर्चा कर चुके हैं और ये जमानों से आता रहा है अगर आप देखेंगे उठा करके सिलेबस में दो से आज तक आपको मिल जाएगा लगभग एक आध क्वेश्चन इस पर देखने को मिलता है ये ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चन पे देखिए फेलियर एक्सेप्टिंग जो है कोई ओरिएंटेशन होता ही नहीं है तीन प्रकार के गोल्स होते हैं जिनका ओरिएंटेशन संभव है एक है मास्टरी ओरिएंटेड, दूसरा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तीसरा है फेलियर अवॉइडेंस मास्टरी ओरिएंटेड सबसे बेटर गोल है ये वही गोल है जिसका मैं बार बार उदाहरण देती हूं कि आप मास्टर बन जाइए किसी चीज के मतलब आपको आता सब कुछ है नंबर अपने आप आ जाएंगे ये वैसे ही वाली बात है कि वो जो थ्री इडियट्स का डायलॉग मैं बार बार बोलती हूँ कि आप एक्सिलेंस के पीछे भागिए सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी तो ये मास्टरी ओरिएंटेड गोल है कि बच्चे को सब कुछ आता हो या वो मास्टर मास्टर uh, बन पाए उस टॉपिक का या जो भी चीज वो पढ़ रहा है उसको डीप में पढ़ के समझ पाए ठीक है ना यहाँ नंबर के पीछे नहीं भागा जाता और ये बेस्ट तरीका है क्यों क्योंकि लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग होती है यहाँ यानी आप सीख रहे हैं क्योंकि आपको सीखने में इंटरेस्ट है इंट्रेंसिक मोटिवेशन होती है यहाँ अगर देखें तो आंतरिक अभिप्रेरणा परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में रीजन बाहर होता है काम को करने का और जहां रीजन बाहर हो वो लंबा नहीं चल सकता या फिर हम कहें कि बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता है ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है कि फर्स्ट आना है परफॉर्म करना है क्लास में फर्स्ट आना है फेलियर अवॉइडेंस है बस किसी तरह से पास हो जाना है फेलियर से बच जाना है तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है बेस्ट जो है वो है मास्टरी ओरिएंटेशन ओरियंटेशन तीन तरह की ओरिएंटेशन है इसको मास्टरी ओरिएंटेशन को कई बार पेपर में लर्निंग ओरिएंटेशन या लर्नर सेंटर्ड ओरिएंटेशन भी कह देते हैं

हमारे जो मान्यताएं होती हैं उनका एक अच्छा खासा प्रभाव हमारे सीखने पर पड़ता है अगर मैंने मान लिया कि भाई जो कोई काम है जो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं सीख पाऊंगी तो मैं नहीं सीख पाऊंगी है ना ऐसी बातें आपने मोटिवेशनल स्पीकर को कहते हुए सुना होगा बट ये फैक्ट है साइकोलॉजिकल कि अगर सच में आपका ये बिलीफ सिस्टम बन गया है कि आपसे नहीं होगा तो बिल्कुल होगा ही नहीं थोड़ा बहुत कभी कभी लग सकता है तो जो व्यक्ति का या बच्चे का बिलीफ है जो धारणा है उसकी अपने सीखने के बारे में वो लर्निंग को प्रभावित करती है बिल्कुल सही बात है वुड वुड यू हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग तो जब हमें पता है कि जो हमारी है, जो हमारी 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 विचारधारा है हमारे बिलीव्स हैं वो लर्निंग को को परफॉर्मेंस प्रभावित करेंगे तो कौन सा तो हमें कैसे बिलीफ डालने बच्चे में पॉजिटिव तो कौन सा एक ऑप्शन है जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लर्निंग पर लेकर के आएगा पॉजिटिव बिलीफ होगा तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर के आएगा पहला ऑप्शन है आई एम नॉट बॉन्ड विद एनी एबिलिटी अगर कोई ये मान लेता है कि मेरे अंदर तो कोई जमजात क्षमता है ही नहीं तो ये क्या हुआ एक नेगेटिव अप्रोच हो गई या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया नेगेटिव बिलीफ हो गया है ना जबकि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में पढ़ रहे थे कि आपको हर बच्चे को मान के चलना है कि एवरी चाइल्ड हैज एन एबिलिटी टू लर्न हर एक बच्चे में सीखने की क्षमता है हर एक बच्चा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है आपको तरीके ढूंढने कैसे उसको किस तरफ लेके जाना है और वो किस चीज में अच्छा कर सकता है तो ये तो मानना ही नहीं है कि कोई भी एबिलिटी नहीं है आप में हर एक हर व्यक्ति सीख सकता है है ना टीचर्स ऑलवेज मेक डिफिकल्ट क्वेश्चन गेटिंग गुड और बेड मार्क्स डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स यानी अच्छे और बुरे अंक जो है आपके प्रयास पर निर्भर करेंगे इसका मतलब आपका जो बिलीफ है वो पॉजिटिव है कि आप मेहनत कर सकते हैं आपने एबिलिटी है सीखने की फिर भी डी ऑप्शन सॉरी चेक करेंगे आई हैव नेवर गॉट गुड मार्क्स इन ज्योग्रफी एंड आई नेवर विल इवन इफ आई ट्राई मतलब आई नेवर विल मतलब आए भी नहीं है आज तक नंबर ज्योग्राफी में अच्छे और ना ही आएंगे जैसे मेरा गणित खराब है ऐसा कई लोग मानते हैं और वो ये मान लेंगे यार मेरे गणित में तो अच्छे नंबर आएंगे ही नहीं जबकि अगर सही कोई टीचर मिल जाए वो थोड़ा सा एफर्ट कर लें छोटी क्लासेस से शुरू करें आसान क्वेश्चन से शुरू करें अपने किसी दोस्त की मदद लें तो वो सीख सकते हैं भाई बीस में से बीस नहीं पंद्रह आएंगे दस आएंगे कुछ तो आएंगे तो ये बात, ये बात बिलीफ एकदम खराब बिलीफ है कि हमने पहले से ही मान लिया कि भाई मेरे तो नंबर कभी अच्छे आए नहीं और आएंगे भी नहीं ठीक तो हमें सी ऑप्शन सबसे पॉजिटिव बिलीफ लगता है यहां कि बच्चे में इंकलकेट करना है आपको कि अच्छे या बुरे अंक जो हैं वो अपने प्रयास पर निर्भर करते हैं यदि हम सही दिशा में प्रयास करेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर अब आप पढ़ नहीं रहे हैं समझ नहीं रहे हैं तो रिजल्ट कहां से अच्छा होगा क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट यानी संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है इस पर यूट्यूब पे पुराने समय में कराया हुआ है ये टॉपिक में भी कराऊंगी अभी आगे तो संज्ञान व संवेग संज्ञान क्या है हमारे दिमाग से संबंधित जितनी भी क्षमताएं हैं उसको हम संज्ञान कहते हैं थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग मेमोरी परसेप्शन अटेंशन जो भी चीजें दिमाग से होती हैं इस संज्ञान की ही थियोरी प्याजे ने दी है इसी संज्ञान के बारे में वाइगोस्की ने बात की है इसी संज्ञान के बारे में ब्रूनर ने बात की है ठीक है ना कि हमारी समझ कैसे बेहतर होगी है ना हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कैसे बेहतर होंगी तो यहाँ पे बात हो रही है जो कॉग्निशन और इमोशन है इनका आपस में कोई रिश्ता है कि नहीं है है ना कॉग्निशन और इमोशंस का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है स्टार प्लस की याद आई किसी को तो सिंपल बात यहाँ पे ये यह है कि बिल्कुल ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कॉग्निशन मतलब आपका दिमाग आपके दिल को आपके इमोशंस आपके दिमाग को दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कॉग्निशन जब लिखा हो समझ जाएगा दिमाग की बात हो रही है है ना आपके सोचने समझने तर्क करने इन सब की बात हो रही है आपकी थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी काम दिमाग से किए जाते हैं वो सब कॉग्निशन में आते हैं रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सारी चीजें जो भी दिमाग से होती है मतलब मैं मान लूंगी ये बात कि जो मेरा माइंड है या ब्रेन है अगर मैं कहूं तो माइंड कहेंगे सॉफ्टवेयर है माइंड वो इमोशंस को प्रभावित करता है यानी मैं कैसा महसूस कर रही हूं और मेरे इमोशंस मेरे दिमाग को प्रभावित करते हैं यदि मुझे अच्छा लगता मुझे लग रहा है यार मुझे समझ में आ रहा है अब तो मैं कर लूंगी एग्जाम क्लियर तो मैं मेहनत भी और अच्छी करूंगी तो जो मेरे इमोशंस हैं जो मेरी फीलिंग्स हैं वो मेरे संज्ञान को अगर आप बहुत घबराए हुए हैं पेपर में तो चीजें आने के बावजूद आप गड़बड़ कर सकते हैं आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा क्यों क्योंकि आप बहुत ज्यादा एंगजाइटी में है आपके इमोशंस हावी हो रहे हैं तो ये दोनों इंटरट्वाइंड है बस एक व्यक्ति है जो कहते हैं कॉग्निशन एंड इमोशन क्या है इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है एक दूसरे से वो हैं जेजोंक नाम के एक व्यक्ति 2018 में एक क्वेश्चन आया था दिसंबर में जिजोंग हैं जो मानते हैं कि जो आपका इमोशन एंड कॉग्निशन है दिल और दिमाग है वो इंडिपेंडेंट है ये सिर्फ जिजोंग के केस में आपको याद रखना है जैसा मैं कहती हूं कि प्याजे के केस में आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूस है बाकी केसेस में आप नॉर्मली याद रख सकते हैं वाइकॉस की हो या अगर किसी का नाम ना दिया हो तो याद रखेंगे डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस है सतत है

प्रभावित करते हैं अगर आपको बुखार है आप इमोशनली अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं कोई घटना घट गई है जीवन में ब्रेकअप हो गया किसी की वन की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली तो आपके जो इमोशंस है वो प्रभावित करेंगे आपके दिमाग को भी आप देखते हैं आपकी मेमोरी ठीक से वर्क करना अफेक्ट होती है आपकी मेमोरी आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेस में अफेक्ट हो जाती है आप जो डिसीजन बिना स्ट्रेस के ले सकते थे वो शायद स्ट्रेस में गड़बड़ हो जाए तो कॉग्निशन और इमोशंस हमारे दिमाग की क्षमताएं और इमोशंस इंटरट्वाइंड हैं कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशंस बट इमोशंस डू नॉट अफेक्ट ऐसा नहीं है कि कॉग्निशन दिमाग का तो प्रभाव दिल पे या इमोशंस पे पड़ेगा इमोशंस का नहीं पड़ेगा ये गड़बड़ है डी ऑप्शन है इमोशंस अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट अफेक्ट ये दोनों ही बातें गलत हैं कि कोई एक प्रभावित करता है ये कहना गलत है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों स्वतंत्र हैं कब जब जिजौंक कहें। जिजौंक एक व्यक्ति हो गए जिन्होंने इस पर रिसर्च की है, है, है? रचनावादी अप्रोच अब देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म यानी प्याजाइस से भी जुड़ गया और ये क्वेश्चन मिसकॉन्सेप्शन का है वैसे तो अगर हम बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी अप्रोच क्या है मिसकॉन्सेप्शन के साथ डील करने के लिए यानी भ्रांतियों के साथ डील करने के लिए बच्चों में जो ही कुछ भ्रांतियां आ जाती हैं यानी कुछ गलत अवधारणाएं वो बना लेते हैं जिनको हम गलत नहीं कहते रचनावादी लोग इनको गलत ना कह करके इनको मिसकॉन्सेप्शन या नायब कॉन्सेप्शन कहते हैं या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं कि ऑल्टरनेट है ये बच्चे के दिमाग में एक विकल्प बन चुका है कि उसको लगता है कि पानी जो है वो रंगहीन नहीं है कलरलेस नहीं है बल्कि हरे रंग का होता है नीले रंग का होता है जैसा भी उसने देखा होगा तो एक मिसकॉन्सेप्शन बन गया या जब ट्रेन चलती है तो पेड़ भी साथ में चल रहे होते हैं ये क्या है? एक मिसकॉन्सेप्शन है या मैं चलती हूं तो मेरे साथ चंद्रमा यानी जो मून है वो भी साथ साथ चल रहा है तारे भी साथ साथ चल रहे हैं अब ये फैक्चुअली या साइंटिफिकली सही नहीं होते बट ये उसने अपने अनुभव के आधार नाइविटी में अनुभव की कमी के कारण कह लीजिए या वैकल्पिक अवधारणा मिसकॉन्सेप्शन बना लिए हैं इसको रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसको नाइव कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं भ्रांतियां कहते हैं गलत अवधारणा नहीं कहते इसको इग्नोर करने से यह ठीक होगा नहीं क्योंकि इसका ठीक होना भी जरूरी है टू असाइन लॉट ऑफ कॉन्टेंट फॉर पैसिव मेमोराइजेशन बच्चे को पैसिव मेमोराइज करके रटवा करके कभी कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है रचनावादी बच्चे को एक्टिव रखने पर सक्रिय रखने पर फोकस करते हैं पनिश करना तो इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है ना रिवॉर्ड ना पनिशमेंट फिर आता है गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कसिंग काउंटर पर्सपेक्टिव यानी बच्चा जहां एक्टिव है 99.9 परसेंट चांस है कि वही बात सही है कि आप बच्चों को अवसर देते हैं चर्चाओं के मैंने अभी शुरुआत में भी बताया था जो चर्चा है डिस्कशन है डिबेट है डायलॉग है ये बहुत ही प्यारा तरीका है बच्चे की समझ को या हमारी इन जनरल ह्यूमन की समझ को बेहतर करने का क्योंकि लैंग्वेज क्या है ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन के पास ऐसा कौन कह रहा है बाइकॉस्टी कह रहे हैं तो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है है ना तो गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कसिंग काउंटर पर्सपेक्टिव के इसके ऑपोजिट विचार क्या हो सकते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं मैंने तो देखा था कि वाटर कलरलेस नहीं है अब चाहे वो जेंडर का विषय हो चाहे कोई और विषय हो चर्चा करना सबसे बेहतरीन रहता है बच्चे तीनों ऑप्शन में चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव भी डी ऑप्शन में ही होंगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर क्या कहता है भाई ये थर्टी क्वेश्चन का सेट लगा रहे हैं प्रॉपर मतलब ये क्वेश्चन तो मैंने निकाले हैं इस बार के ऑनलाइन एग्जाम से तो ये सेट एक पेपर में आठ नौ क्वेश्चन दस क्वेश्चन का पूरा टॉपिक है तो दस क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे उनको मैंने हटा दिया है अभी भी चलते हैं मैम चंदा मामा साथ में हाँ बात आपकी सही है सौम्या लेकिन वो क्या है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है वो साइंटिफिकली सही नहीं है चले आगे बढ़े अब आपका एक मुश्किल क्वेश्चन जिसको आप मान मान लेते हैं आपका बिलीफ है ये मुश्किल होते नहीं है पढ़ के समझना है बस कथन यानी अजर्शन और इसका रीजन अजर्शन या एक स्टेटमेंट क्या है स्कूल्स शुड नॉट इन्वॉल्व पेरेंट्स इन एनी मैनर इन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन यानी स्कूल्स को विद्यालयों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए यानी पेरेंट टीचर मीटिंग जितनी भी हो रही है उनको सबको तेल लेने भेज दो उनको कहो कोई पीटीएम नहीं होगी वैसे कोई बताना चाहेगा ये जो पीटीएम है इसकी बात कौन अपनी थियोरी में करता है या ये किस थियोरी से इंस्पायर्ड है कोई कॉमेंट करके बताना चाहेगा तो ये बात तो गलत हो गई कि जब माँ बाप को पता ही नहीं है कि वो बच्चा कैसे सीख रहा है कोई इंटरेक्शन ही नहीं है स्कूल से और माँ बाप का कोई संबंध ही नहीं है तो कैसे फीडबैक का पता लगेगा कैसे समस्या सॉल्व होगी यदि बच्चे को कोई महसूस हो रही है जीवन में तो है ना क्योंकि वो घर में भी रहता है आधे आधे समय समय और स्कूल में रहता है या एक अच्छा खासा समय स्कूल में बिताता है तो ये तो फॉल्स हो गया एस्टेब्लिशिंग लिंक्स ऑफ द स्कूल विद द कम्युनिटी हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग ये कह रहे हैं कि स्कूल और कम्युनिटी के बीच समुदाय या घर के बीच जो लिंक है उससे लर्निंग

ये क्या कहता है भाई और पीटीएम का मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पीटीएम का एक क्वेश्चन पूछा था वो मुझे अभी तक जवाब कोई दिखा नहीं है देखूं एक बार ब्रॉन फैन ब्रेनर बहुत बढ़िया दीपिका गुप्ता नाम है आपका दीपिका ही है मुझे लगा दीपक को दीपिका तो नहीं पढ़ रही हूं बिल्कुल ब्रॉन फैन ब्रनर की जो थियरी है वो ये एस्टेब्लिशमेंट करती है ब्रॉन फैन ब्रेनर का जो इकोलॉजिकल मॉडल है सोशलाइजेशन में हम पढ़ते हैं जनरली उसमें बात होती है कि पीटीएम

बात सही है ठीक है कोई नहीं लिख रहा हां लिख रहे हैं कई लोग बहुत बढ़िया माइक्रो सिस्टम में बच्चा खुद के साथ इंटरैक्ट करेगा यानी उसके आसपास जो फैमिली है पेरेंट्स हैं, वो सब जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक माइक्रो सिस्टम है क्या एक माइक्रो सिस्टम है आपका होम और दूसरा माइक्रो सिस्टम है आपका स्कूल यानी सूक्ष्म सिस्टम आप कह लीजिए ये दोनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चे के विकास के बारे में उसके सीखने के बारे में ज्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन या ज्यादा बेहतर एस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा तो ये मीजो सिस्टम में आती है पीटीएम आपसे दुश्मनी निकालनी हुई एग्जामिनर को तो ये ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है क्योंकि ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है बट इनडायरेक्टली तो है क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन एक नंबर का क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलेगा क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो क्रिटिकल थिंकिंग को शताब्दी के जो कौशल है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी करती है आपको मैंने नोट्स में दिया हुआ है जो फ्री नोट्स मिले हुए हैं सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पढ़ लो यार फ्री में सब कुछ दिया हुआ है उसके बाद भी नहीं पढ़ के अगर हम एग्जाम क्लियर करेंगे तो बहुत दुख की बात है है ना तो अगर हम बात करें समालोचनात्मक चिंतन के संदर्भ में तो कौन सा कथन सही है समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है पहले तो ये जानना जरूरी है समालोचनात्मक चिंतन है कि हम हर पक्ष में किसी चीज को देख पाए हम जो भी फैक्ट्स हैं जो भी ओपिनियंस हैं जो भी डेटा है ऑब्जर्वेशन हैं हमारे पास वो सब हमारे पास हो जो भी एक चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और उसको हर पक्ष में देख के कंक्लूजन तक पहुंच पाए हम सिर्फ मान ना लें जो हमारे सामने हो उसको जांचें परखें देखें सभी पक्षों में कि भाई सीडेट क्लियर यहां से होता है है ना आप इंटरव्यू भी देख रहे हैं आप एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं कि लोग एक नंबर लेके आए एक सौ इकतालीस लेकर के आए हैं एक सौ चालीस लेकर के आए हैं तो ये सब क्या हुआ आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं कि यार एक बार देखते हैं समझते हैं कौन कैसे लेकर के आया है फिर पढ़ाने का क्या तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है प्रीवियस ईयर आप कर रहे हैं तो हर पक्ष में आपने जांचने की कोशिश की है उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में कैसे हम लेकर के आए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्स मेनली थ्रू रोट मेमोराइजेशन रट के क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आ सकती क्योंकि इस पे आपको अपने दिमाग को खर्च करना पड़ता है हर पक्ष के हिसाब से सोचना पड़ता है गलत हो गया क्रिटिकल थिंकिंग इज मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग भाई मीनिंगफुल होती है क्रिटिकल थिंकिंग क्योंकि आप जस्ट मान नहीं लेते किसी ने कहा बिल्ली रास्ता काट के आपने मान लिया ऐसा यहां नहीं होता किसी ने कहा 2000 के नोट में जो है चिप होती है वो फिर आपने क्रिटिकल थिंकिंग उसमें नहीं लगाई कि वो पॉसिबल कैसे है आपने जस्ट मान लिया मीनिंगलेस तो नहीं होता मीनिंगफुल लर्निंग होती है क्रिटिकल थिंकिंग से डिसरप्ट करती है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को डिसरप्ट करती है ये भी कहना गलत होगा ये तो हेल्पफुल चीज है क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी प्रोमोटेड बाय गिविंग रिफ्लेक्शन टाइम टू स्टूडेंट्स यानी आपने कोई चैप्टर पढ़ा आपने कोई डिस्कशन किया आपने कुछ असाइनमेंट दिया बच्चे को अब आप कह रहे बेटा इस पर रिफ्लेक्ट करो जो ये जो ऐसे लिखा है क्या इसमें ठीक हो सकता था अच्छा इसमें क्या ये वाला पक्ष सही है आप बच्चे को सोचने पे मजबूर करते हैं तब जाकर के क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है जब आप उसको प्रकाश डालने को कहते हैं है ना समय देकर रिफ्लेक्शन क्या है आपने समय दिया जो आपने किया है बताया है उस पर थोड़ा सा सोचने को कहा चिंतन मनन करने को कहा तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट पर क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम यानी सीखने की संस्कृति सीखने की संस्कृति का क्या मतलब है कि हमें सीखने में इंटरेस्ट जागे ऐसा एक कल्चर क्लासरूम में पैदा हो जैसे लेट्स लर्न पे एक कल्चर है कि आप लोग आ रहे हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं सीखने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस पूछते हैं सामने से पोल में जवाब देते हैं तो हम मिलजुल करके सीखने की एक प्रोसेस बना रहे हैं कल्चर क्रिएट कर रहे हैं तो क्लासरूम में ऐसा कैसे हो सकता है पोस्टरिंग कोलैबोरेशन अमॉंग स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना मिलजुल करके सब सीख रहे हैं इसका जवाब तो मैंने खुद ही दे दिया आपको बी ऑप्शन है बीइंग रिजिड देखिए मैंने पहले भी कहा था रिजिड होना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जीवन में भी नहीं और क्लासरूम में भी नहीं कि आपको जो पेडेगोजी है जो पढ़ाने के तरीके हैं टीचिंग हैं रिजिड हो जाए नहीं इसी मैथड से पढ़ेंगे बस इसी तरीके से समझ में आ सकता है किसी को रिजिड का मतलब है कठोर हो गए कठोर होने पर क्या होता है टूट जाता है आपने पढ़ा होगा ये कि जो सख्त होती है चीजें नहीं है जो फ्लेक्सिबल नहीं होती लचीली नहीं होती खत्म हो जाते हैं समय के साथ तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए रिजिडिटी एकदम नेगेटिव वर्ड है इंक्रीज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फीडबैक अभी बात की थी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं मास्टरी ओरिएंटेड या लर्निंग ओरिएंटेड फीडबैक मिलना चाहिए कि कितना सीखा ये नहीं कितने परसेंट आए इग्नोर सेल्फ असेसमेंट खुद का आकलन इग्नोर ही करा दो बच्चे से जी नहीं एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है विच इज कोलैबरेशन अमॉग स्टूडेंट्स जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ए ऑप्शन ही है कि बच्चे ग्रुप में मिलकर के कोलैब करके सहयोग करके एक दूसरे को सीख रहे हैं ऐसा की भी मानेंगे आगे बढ़ते हैं ए ऑप्शन सही था क्वेश्चन नंबर देखिएगा आसान सा सवाल है ऑफ द द फॉलोइंग हिंडर्स प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान में बाधा कौन बनता है एक क्वेश्चन आता है ये समस्या समाधान पे तो समस्या समाधान मतलब कोई समस्या आपने बच्चे के सामने रखी वो साइंस की प्रॉब्लम हो सकती है वो सोशल साइंसिस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है वो एनवायरनमेंट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है तो अब हम अगर बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सी एक चीज हिंडर नहीं करती है बताइएगा स्लो साबुन हो गए हैं हमारे पोल लगाने वाले देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स दी प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान समस्या आए उसके समाधान में बाधा कौन बनेगा एनालॉजीज का प्रयोग यूज ऑफ एनालॉजीज यानी अनुरूपकों का इस्तेमाल यानी वैसी ही समस्याएं जैसी पहले मतलब आज जो समस्या आपके सामने है उस तरह की और भी प्रॉब्लम्स आपने पहले सॉल्व की हूं तो ये हिंड्रेंस नहीं बनती ये तो पॉजिटिव बात होती है कि आप एनोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं कि भाई जीवन में जब एक और एग्जाम आपने क्लियर किया था जब आप uh, सीटेट के लिए पढ़ाई कर रहे थे तो आपने ये सही तरीके किए थे या आप इतने घंटे पढ़ते थे अब आप कोई और एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो आप वो अप्रोच जो इंपॉर्टेंट या फायदेमंद चीजें थी वो वहां भी अपना रहे हैं एनोलॉजी मतलब जिनमें समानता है दो चीजों में मीन्स एंड एनालिसिस मीन्स एंड एनालिसिस होता है किसी भी बड़े काम को टुकड़ों में तोड़ करके समझना कि आपको एक एग्जाम एक क्लियर करना है मान लीजिए सी टेट अभी के लिए सी टेट रखते हैं डी प्लस बी केवीएस यूपीएससी वॉट अब उस एग्जाम को आपने देखा ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई आपके सामने इसको means analysis के करेंगे। एक सी डी पी है भाई, इसको कैसे कहां से पढ़ूंगा पहले ये वाला चैप्टर निपटाऊंगा ये यहां से पढ़ना है हिंदी हो गई ईवीएस हो गया मतलब आपने टुकड़ों में तोड़ दिया उस टास्क को और एक दिन में नहीं कर देंगे आपने एक टाइम टेबल बनाया एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाई प्रीवियस ईयर संडे सैटरडे को लगाएंगे टुकड़ों में तोड़ दिया टास्क को रिस्पॉन्स सेट एक नेगेटिव बात है जो कि यहां सही उत्तर होगा कई लोग थर्टी परसेंट लोग गलत जवाब इसमें दे रहे हैं अनुरूपकों का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान को बढ़ावा देता है अगर बच्चे ने बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में ऑलरेडी सॉल्व की है तो वो आगे आने वाली समस्याओं को भी डील कर जाएगा क्योंकि यार आपको पता होता है ना यार ये चीज तो मैंने देखी है लाइफ में है ना निकल जाएंगे ब्रेकअप से एक और हुआ था पहले कभी मजाक तो ये क्या हुआ पॉजिटिव बात है साधन लक्ष्य विश्लेषण मीन एंड एनालिसिस भी पॉजिटिव बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे भी अच्छी होती है सोलविंग आप समस्या को टुकड़ों में तोड़ करके देखेंगे इज रिस्पॉन्सिव थिंग मतलब क्या हुआ अनुक्रिया समुच्चय जिसको हम कह रहे हैं सेट का मतलब है है हो गया है आपका माइंड सेट आप अलग अलग ढंग से किसी समस्या को नहीं देख पा रहे हैं एक मेंटल सेट बन गया है आपका समस्या कोई भी आती है वही तरीका है ना जैसे माताजी पिताजी कहते होंगे कि नींद नहीं आ रही है तो भी ये फोन जिम्मेदार है है ना सर में दर्द है तब भी फोन जिम्मेदार है दुनिया का कोई काम गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो क्योंकि आप फोन में लगे रहते हैं इसलिए पड़ रही है मतलब एक ही तरीका हर समस्या के लिए एक ही समाधान वो गलत तरीका है उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंडर होती है बाधा बनती है बैरियर है ये एक क्योंकि अलग अलग समस्याओं में अलग अलग समाधान काम कर सकते हैं वर्बलाइजेशन पॉजिटिव बात होती है मौखिकीकरण कि आप खुद से बात करते हैं कई बार उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं वर्बलाइज करके भाषा के माध्यम से मौखिकीकरण करते हैं समझाते हैं अच्छा ये समस्या है ऐसा हो सकता है किसी से चर्चा भी कर सकते हैं तो तो वर्बलाइजेशन ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग बाकी ये तीनों चीजें जिसमें आप मल्टीपल वेज नहीं अपना रहे हैं। बस आंख बंद करके रट्टा लगा रहे हैं ट्रायल एंड एरर पॉजिटिव भी हो सकता भी? इस पे हम कल करेंगे, 10 क्या है समझेंगे और एक रीजन होगा इसका ये वाले क्वेश्चंस खूब भर भर के आ रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक इजी है बट इसको मुश्किल बनाने का यही तरीका है ना कि क्वेश्चन को पूछने की लैंग्वेज को लेंदी बना दो क्योंकि वैसे तो अब आपको पता ये टॉपिक एक नंबर का वैसे है अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कौन रो रहा है ये गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आप जल्दीबाजी में जवाब दे रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को कोई बात नहीं आज के बाद गलती कम हो जाएगी अभी कल और परसों भी इसी टॉपिक से हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो उसमें फिर ये गलतियां कम हो जाएंगी अपने आप ही चलो यार गर्मी सच में ज्यादा है पानी वानी पीते रहो बढ़ते हैं आगे लोग ए उत्तर दे रहे हैं समझते हैं कथन क्या है स्टूडेंट मिसकॉन्सेप्शन शुड बी अटेंडेड बाय द टीचर ऑफ इग्नोरिंग स्ट्रेट अवे बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चों की गलत फहमिया है मिसकॉन्सेप्शन है भ्रांतियां है, हैं नायब कॉन्सेप्शन हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन हैं कि भाई जब मैं चलता हूं तो चंदा मामा साथ चलते हैं तो ये इनको डील किया जाना चाहिए इनको एड्रेस किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग

इसलिए उसको लगता है कि पानी का तो रंग होता है पानी कलरलेस होता कहा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिल्कुल ही सही बात है इसमें कोई भी दर्द परेशानी दर्द कुछ समस्या कुछ नहीं है क्योंकि दोनों बातें सही है और ये इसी के बारे में बात हो रही है रीजन में यही बताया गया है कि क्यों इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें

सही बात है अगर ज्यादा स्ट्रेस है तो क्या होगा लर्निंग ठीक से नहीं हो पाएगी जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे में। लर्निंग, अगर मुझे इंटरेस्ट है तो ये चीज तो मुझे हेल्प करनी चाहिए सीखने में इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया मेरा इमोशन पॉजिटिव है उस चीज को लेकर हाई स्ट्रेस प्रमोट लर्निंग ये एकदम खराब बात है और आप कह रहे सही है अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि ये सही है सी ऑप्शन कह रहे हैं हाई स्ट्रेस उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है रियली really? अगर हाई स्ट्रेस है तो ये सहायता थोड़ी करेगा लर्निंग में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगा कुछ तो ये तो नेगेटिव बात होगी नहीं सही कहां डिस इंटरेस्ट प्रमोट्स लर्निंग यानी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में तो ये चीज लर्निंग को बेहतर बनाएगी नहीं इंटरेस्ट प्रमोट करता है लर्निंग को ना कि डिस तो एक ही बात सही थी यहां हाई स्ट्रेस इनहिबिट्स लर्निंग यानी उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक बनता है यह बात बिल्कुल सही है हमसे पूछा तो यही है ना दोनों के बारे में बात कौन सी सही है तो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि भाई ज्यादा स्ट्रेस अगर होगा तो लर्निंग में बाधा बनेगा यह बात अपने आप में सही है इंडिपेंडेंटली ठीक है ना सही कह रही है सौम्या के सी वाले अब रुक जाओ फोर्टी परसेंट लोग अभी भी सी पे लटके पड़े हैं जबकि थर्टी नाइन परसेंट ए पे आ चुके हैं भाई इन्होंने ये पूछा था दोनों के बारे में क्या सही है ये थोड़ी पूछा था लर्निंग कब बेहतर होगी तो दोनों के बारे में अगर आप सही देखोगे तो सिंपली हमें दिख रहा है कि ज्यादा स्ट्रेस लर्निंग को इनहेबिट करता है हिंडर करता है तनाव जो है अधिक वो बाधा बनता है अधिगम में बात तो सही है इंटरेस्ट इनहेबिट करता है ये नहीं होता कि इंटरेस्ट है आपको और लर्निंग कमजोर पड़ रही है या बाधा बन रहा है आपका इंटरेस्ट नहीं हाई स्ट्रेस बिल्कुल प्रमोट नहीं कर सकता लर्निंग को तो एक ही ऑप्शन सही है ये इन्होंने थोड़ा सा शब्दों का जाल बुना है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिएगा फटाफट से ये क्या कहता है सेलेक्ट दोप्रिएट टेक्निक्स तो अच्छी बात है बच्चे सक्रिय रहेंगे एक्टिव रहेंगे एकदम नेगेटिव वर्ड है कॉम्पिटिशन से कोलेबोरेशन की तरफ कोऑपरेशन सहयोग की तरफ लेके जाना है गला कार्ड प्रतिस्पर्धा पे नहीं लेके जाना बच्चे को हेल्प सेट गोल्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट ये बात भी पॉजिटिव है कि बच्चे का जिस चीज में रुचि है वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है आप उसको साइंस लगाए पड़े हैं फिर आता है फोर्थ ऑप्शन गिविंग फ्रीडम टू स्टूडेंट्स फॉर एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज यानी आप बच्चों को आजादी देते हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की मतलब जो भी बच्चे के दिमाग में आइडियाज हैं जो भी उसके अनुभव है उसको शेयर करने की आजादी आप देते हैं अब वो सही है गलत है वो बाद में डिसाइड होगा तो ये बात भी पॉजिटिव है तो तीन बातें यहाँ सही हैं और बाकी जो हैं वो गलत हैं तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यही जवाब दे रहे हो कुछ और दे रहे हो बी सेवेंटी मुझे भाई आसान सा सवाल है ये तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे लड्डू क्वेश्चन एकदम इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ यानी शिक्षा में समान अभिगम्यता यानी अवसर समान मिले एक्सेस सबको समान मिले पहुंचने के, मतलब की मतलब शिक्षा तक सबकी पहुंच हो समान रूप से कि एक गरीब परिवार का बच्चा भी अच्छी एजुकेशन ले सके एक जो आर्थिक रूप से समृद्ध बच्चा है वो भी किसी भी जाति संप्रदाय समूह रंग नस्ल कोई भी बच्चा हो एजुकेशन सबको एक्सेस एजुकेशन का मिलना चाहिए बराबर का एक्सेस मिलना चाहिए ये नहीं है कि एक बच्चा है जो बहुत अच्छी शिक्षा पा पा रहा है पाता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति समृद्ध है होता ऐसा ही है बट होना नहीं चाहिए कायदे में क्योंकि एजुकेशन की जो एक्सेस है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए ये बात किस तरफ लेके जा रही है हमें प्रिवलेज की तरफ मैटर ऑफ प्रिवलेज है, कि सुविधा के जिसको है उसको या फिर राइट right है ये तो ये बिल्कुल क्या है एक राइट right है सिक्सटी नाइन परसेंट इतने आसान क्वेश्चन भी गलती कर रहे हो शिक्षा में समान अभिगम्यता या पहुंच एक अधिकार का विषय है भाई राइट टू एजुकेशन भी तो यही कह रहा है ना कि भाई जो शिक्षा है वो हर एक बच्चे का अधिकार होनी चाहिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बना दिया राइट दो अप्रैल 2010 से लागू हुआ सबका एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा सबको मिल पाए उनके पेरेंट्स चाहे वो भी ना रोक पाए बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन तो ये राइट right है, है।, right है कि हर बच्चे को इक्वल एक्सेस मिल पाए ये उसका अधिकार है तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग टीचर शुड यानी आपको बच्चे को सपोर्ट करना है सीखने के लिए तो टीचर को क्या करना चाहिए एज अ टीचर आप क्या करेंगे यदि आप बच्चे को सीखने में सपोर्ट प्रदान करना चाह रहे हैं बताइएगा फटाफट से कमेंट करके डरना नहीं है आज के क्वेश्चन को देख के लेंदी लग सकते हैं लेकिन ये सबसे ईजी यूनिट है दस नंबर फ्री के हैं फ्री तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पढ़ के समझना पड़ेगा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए बट अगर आप क्लास अटेंड करके समझ पा रहे हैं इसका मतलब आपके लिए फ्री के ही है, 14 कहता है कि कैसे सपोर्ट करें लर्निंग में टीचर्स प्रमोट एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी एंटिटी व्यू का मतलब होता है योग्यता एक इकाई एक के रूप में एक तत्व के रूप में कि एक सिंगल एंटिटी है योग्यता एबिलिटी या तो होती है किसी में या नहीं होती है ये एकदम बकवास बात है क्योंकि हम योग्यता को या एबिलिटी को इंक्रीमेंटल देखते हैं कि एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है फिक्स्ड नहीं है या, एंटिटी नहीं है इग्नोर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट बच्चे के अगर रुचियों को ही आपने इग्नोर कर दिया तो वो हो सकता है ये वैसी बात हो जाएगी कि सचिन तेंदुलकर को हम ये कहते कि डांस में उनको लेकर के जाया जाता है। तो हो सकता है वो शायद वहां उतना बेहतर ना करते जितना उन्होंने क्रिकेट में किया मतलब ये आइंस्टाइन वाली बात है जो आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर आप एक मछली को उड़ने के बेसिस पे जज करने लग जाएंगे तो वो जीवन भर खुद को खराब मानती रहेगी कि मैं किसी काम की नहीं हूं तो बच्चे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर हम उसको लेके जा रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए बी कंसिडरेट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमोंग स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विच, विचारशील रहना यानी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं हर बच्चे का सेम इंटरेस्ट हो सेम तरीके से सीखे सेम एप्टीट्यूड सेम एबिलिटीज सेम आई क्यू आई क्यू जो बहुत हद तक कॉमन होता है मतलब एवरेज जो सिक्सटी परसेंट लर्नर्स हैं एवरेज आई क्यू ही रखेंगे ठीक है ना तो हम ये कह दर्द परेशानी यहां तक की बात समझने में हो तो बताओ तो ये बात एकदम सही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाना चाहिए तभी हम लर्निंग को सपोर्ट कर पाएंगे भाई आपको पता हो कि किस बच्चे को किस क्षेत्र में रुचि है उस हिसाब से तो आप उसको फिर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराओगे मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल होते हैं फर्स्ट आना है टीचर लेकर बात है कि हमारा पूरा सिस्टम ऐसा ही बनाया हुआ है कि हम नंबर्स पे सैलरी पे पैसे पे मतलब हमारा पूरा फोकस इसी बात पे है कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है जबकि मास्टरी ओरिएंटेशन में अगर हम लेकर के जाएंगे तो अगेन थ्री डेट को मैं कोट करूंगी कि भाई घर छोटा होगा गाड़ी छोटी होगी बट खुश होगा तो वो वाली बात बच्चे में फिर आ पाएगी यदि हम एज टीचर्स ही मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स को हम सेट कर पाए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो उस तरफ उसको लेकर के जा पाए बट ये अभी शायद हम उतना नहीं कर पा रहे हैं और अब नेक्स्ट जनरेशन उस तरफ जा भी रही है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और ऐसा जरूरी नहीं है कि घर और गाड़ी छोटे ही होंगे अच्छे भी हो सकते हैं मतलब बड़े भी हो सकते हैं इंटरेस्ट फॉलो करके है ना एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर

फैक्ट बात है बच्चा एक्टिव भी सबसे ज्यादा यही होगा अगर आप वही सिंपल फंडा अपना अपनाते हैं कि बच्चा जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है कंपटीशन टू फिनिश ये तो अपने आप में इतना नेगेटिव वर्ड है किसी टास्क को बस जल्दी से खत्म कर दो समझ में आए ना आए अंडरस्टैंडिंग रेदर देन अंडरस्टैंडिंग उसको समझने की बजाय खत्म कर दो मियर समराइजेशन ऑफ नोट्स गिवन बाय बाई टीचर यानी जो अध्यापक ने नोट्स दिए हैं उनको बस उनका समराइज कर दो फटाफट से उनका व्याख्यान पढ़ लो रट लो उसको एंड मोमेंट पे ये होता तो है सिस्टम में बट ये सही तरीका नहीं है इससे थिंकिंग डेवलप नहीं होती इससे रट्टाफिकेशन डेवलप होता है रोट मेमोराइजेशन ये तो रटंत विद्या चलंत नहीं तो मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम दो प्रकार की लर्निंग एक मीनिंगफुल दूसरा रोट लर्निंग तो रट के सीखने को बढ़ावा नहीं देना मीनिंगफुल लर्निंग को जो जीवन से जुड़ी

क्योंकि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं एक एक सेट में दस दस क्वेश्चन है तो इसको क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बन रहे हैं इसलिए मैं तीन दिन लगाऊंगी इसको कराने में टू फैसिलिटेट क्योंकि अगर आपने इनफ तीन दिन की प्रैक्टिस कर ली आपके दस नंबर जाएंगे नहीं कहीं पर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग यानी बच्चों के अधिगम को बेहतर बनाने के लिए सुगम बनाने के लिए अ टीचर शुड कंडक्ट एक्टिविटीज विच आर कैसी क्रियाओं का या गतिविधियों का संचालन शिक्षक को करना चाहिए कैसी एक्टिविटी करवानी चाहिए क्लासरूम में यदि लर्निंग को बेहतर बनाना है पहला ऑप्शन है रेलिवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ यही तो हम चाह रहे हैं कि बच्चे के जीवन से जोड़ो ऐसी एक्टिविटी जो हम क्लासरूम में सीखे और जो हम जीवन में देख रहे हैं वो दोनों कनेक्टेड होने चाहिए लर्न गैप को कम करना है एनसीएफ भी यही कहता है जो घर और स्कूल के बीच का गैप है रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें ऐसा नहीं है कि किताबी बातें कुछ और हैं और जीवन में कुछ और ही है मैकेनिकल एंड रिक्वायर पैसिव लिस्निंग ये आपको पता ही पैसिव वर्ड ही अपने आप में इतना नेगेटिव है पेडोगॉजी में कि बच्चे को निष्क्रिय कर दो मैकेनिकल कर दो एक कम दो चार रटवाए जाओ नहीं डी कॉन्टेक्शु नहीं कॉन्टेक्शलाइजेशन यानी संदर्भ में सिखाओ उसकी लाइफ से जोड़ के कोई संदर्भ हो जैसे मैं बहुत बार आपको संदर्भ देती ब्रेकअप का का फलाने लाइफ से जोड़ करके ये सारे उदाहरण क्या है ये संदर्भ में है कि आप जीवन से कनेक्ट कर पाएंगे उस क्वेश्चन के संदर्भ में है डी कॉन्टेक्चुलाइजेशन क्या है बात कुछ और चल रही है आप कुछ और लेके जा रहे हैं उसको तो वो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है जब कनेक्टेड नहीं है तो ओल्ड नॉलेज न्यू नॉलेज से कनेक्ट नहीं होगी सीख नहीं पाएंगे डी ऑप्शन है प्रेजेंटेड इन प्रोग्रेसिव सीक्वेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल अब ये प्रोग्रेसिव पढ़ के कई लोग बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे जो रट्टे लगाते हैं सिर्फ है ना पूरे यूट्यूब पे सिर्फ क्वेश्चन ही करते रहते हैं इधर से उधर एक सेकेंड पूरे यूट्यूब पे क्या करते रहते हैं क्वेश्चन करते रहते हैं इधर से उधर तो उनको क्या रहता है वो वर्ड्स पकड़ने लगते हैं जबकि हमें पूरा सेंटेंस पढ़ के भी समझना है वर्ड को ये जो टर्म्स हैं ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हम पढ़ते हैं वो हमारी स्कैफोल्डिंग के लिए हेल्प के लिए रटने के लिए नहीं है कि एक वर्ड देखा बस सीधा आंसर मार्क कर दिया वो जब हम फंस रहे होंगे तब हमें मदद मिल जाएगी वहां तो प्रेजेंटेड इन जाया जाता है।, जटिल से सरल की कोई नहीं है तो ये तो अपने आप में नेगेटिव हो गया एक ही ऑप्शन सही है एवरीडे लाइफ से कनेक्ट कर दो अब आप कहेंगे पहली बार में ऑप्शन मिल गया था उसी को आंसर बता देते रटना नहीं है समझना है सारे ऑप्शंस को एनालाइज करनाट सेवेंटी स्टूडेंट्स फील मोर इन्वॉल्व यानी बच्चे ज्यादा ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे, महसूस करेंगे तब बच्चे अच्छे से सीखेंगे जहां बच्चा एक्टिव होगा इंक्वायरी को बढ़ावा जाएगा, बिल्कुल सही है रिफ्लेक्शन अपने थॉट्स पर विचार कर सकें सही है, पैसिव इमिटेशन है कि यहाँ पे तो बस निष्क्रिय होकर नकल करते रहो और रटते रहो मियर रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज ये उगलना है पेपर में रट्टा लगा करके पेपर पे उल्टी कर देने जैसा है कि ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन जो रटा है उसको बस लिख करके आ जाओ पेपर पे तो ये दोनों नेगेटिव हैं इससे कोई भी बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से नहीं सीख पाएगा सक्रिय रूप से कहां सीख पाएगा फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में कहीं दिख रहे हैं साथ में फर्स्ट सेकेंड ए ऑप्शन में ही है देखें कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है सिक्सटी एट परसेंट इतने आसान क्वेश्चन में अगर हम गड़बड़ करेंगे तो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन में हमारा क्या हाल होगा फिर चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पेस ऑफ लर्निंग यानी स्पीड ऑफ लर्निंग गति अधिगम की गति सीखने की गति अगर मैं कहूं पहला ऑप्शन है डिपेंडेंट सोनली ऑन पर्सनल फैक्टर्स अब लर्निंग में दो तरह के फैक्टर होते हैं एक पर्सनल दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स पहले आप इसका जवाब दीजिए फिर मैं दोनों पर चर्चा करूंगी फटाफट से बताओ <coughs> आंसर करो फटाफट कोई मराठी में बात कर रहा है। भाई मल्टीलिंगुअल क्लासरूम तो है बट हमारी मराठी थोड़ी कमजोर है सीखने में समय लगेगा कमजोर छोड़ो यार मुझे बाकी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं सही उत्तर किधर है जो सीखने की गति है पेस ऑफ लर्निंग है स्पीड ऑफ लर्निंग है रेट ऑफ लर्निंग है, अगर मैं दूसरे शब्दों में रिप्लेस किया जा सकता है कई सारे अलग अलग

एनवायरमेंटल फैक्टर्स एजुकेशन ट्रेनिंग न्यूट्रिशन ये सब भी तो मैटर करेंगे ना तो ऐसा तो नहीं कह सकते डिपेंडेंट सोलली ऑन एनवायरमेंट सिर्फ एनवायरमेंट पे जी नहीं सिर्फ एक तरफ जब भी ऑप्शन लेके जाता है तो ज्यादातर नाइन्टी परसेंट चांसेस होते हैं ओनली की तरफ नहीं जाना होता हमें या सोली की तरफ नहीं जाना होता अगर मैं कहूं इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है स्पीड ऑफ लर्निंग तो मतलब क्या चमत्कार के रूप में ईश्वर से कहीं जादू को धूप मिलती है और वो सीख जाता है ऐसा तो नहीं होता ना कि पर्सनल फैक्टर भी नहीं है जो उसकी एज है जो भी उसने उसका आई है जो भी इंटरेस्ट है कुछ भी मैटर नहीं करता और ना एनवायरमेंट मैटर करता है भाई इन दोनों के अलावा तो तीसरी चीज है ही नहीं हमारे पास है ना तो ये तो नेगेटिव हो गया अब बचता है डी ऑप्शन जो कि बाय डिफॉल्ट ही ठीक होगा क्यों क्योंकि पांचवा ऑप्शन तो है नहीं ना लेकिन फिर भी इसको पढ़ के समझते हैं व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है यानी जो पर्सनल फैक्टर्स हैं कि बच्चे की एज क्या है इंटरेस्ट क्या है उसका आई क्यू क्या है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको एजुकेशन कैसी दी जा रही है उसको न्यूट्रिशन पोषण कैसा मिल रहा है ट्रेनिंग कैसी मिल रही है ये सब चीजें दोनों का इंटरेक्शन है जैसे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का इंटरेक्शन कहते हैं ना हम डेवलपमेंट को भाई प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के अलावा आप और हैं क्या कुछ भी नहीं है एक भी चीज आप सोचिए या तो वो हेरिडिटी में आती होगी या एनवायरमेंट में नहीं तो दोनों के इंटरेक्शन के साथ तीसरी चीज कुछ भी नहीं है भाई आपको इंटेलिजेंस का जो लेवल है आपका हेरिडिटरी ज्यादा प्रभावित है हेरिडिटी से और एनवायरमेंट उसको बूस्ट कर रहा होगा या नीचे लेके जा रहा होगा तीसरा कुछ भी नहीं है तो उसी तरह से पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इंटरेक्शन है लर्निंग की स्पीड कि आप किसी चीज को कितना अच्छे से या कितनी जल्दी सीखेंगे उसमें आपकी जो एबिलिटी है नेचुरल एप्टीट्यूड है आपका और एनवायरमेंट में कैसी चीजें आपको दी जा रही है उस पर निर्भर करेगी कैसे आपको एक टीचर से जल्दी समझ में आ जाता है दूसरे से समय लगता है तो ये एनवायरमेंटल और पर्सनल दोनों का इंटरेक्शन है जो लर्निंग की स्पीड है गति है

दूसरे है एनवायरमेंटल ठीक है बात? ठीक? तो नहीं है बच्चा है आठ साल का आप उसको सिलेबस करा रहे हैं सोलह साल की उम्र का तो सर के ऊपर से टप्पा खा के जाएगी ना बाउंसर की तरह ठीक है ना उसका इंटरेस्ट उसकी रुचि किस तरफ है एप्टीट्यूड क्या है एप्टीट्यूड क्या, क्या होता है हमारे अंदर एक हम कुछ हद तक जन्मजात मानते हैं, मतलब है, हैं जाए तो हम कहेंगे कि आपके अंदर था ही उस चीज का और आपको थोड़ा एनवायरमेंट और मिल गया तो नेचुरली आप कुछ चीजों में अच्छे होते हैं ये वैसी सी बात है उसका एटीट्यूड भी हो सकता है पर्सनल फैक्टर एटीट्यूड बेसिकली क्या है कि आपका नजरिया आपके आइडियाज आपके बिलीव्स कैसे हैं किस चीज को देखने के ठीक इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आपका इंटेलिजेंस का स्तर हो सकता है बच्चे का बेसिकली उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो पर्सनल फैक्टर में आती हैं और बाकी एनवायरमेंट में क्या होगा स्कूल हो सकता है या आप एजुकेशन भी लिख सकते हो उसको जो शिक्षा बच्चे को मिल रही है या फिर अगर मैं कहूं आपका न्यूट्रिशन पोषण कैसा दिया जा रहा है बच्चे को है ना क्या ट्रेनिंग कैसी मिल रही है टीचिंग के मेथड्स कैसे हैं ये सब चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं तो इन दोनों का इंटरेक्शन है ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया इंटरेक्शन यानी दोनों की अंतः क्रिया पे डिपेंड करेगा कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है बच्चा जल्दी सीखेगा या ज्यादा समय लगेगा तो एनवायरमेंट भी टॉक्सिक हो और बच्चे की खुद की एबिलिटी भी अगर उस चीज में कमजोर है तो दोनों ही चीजें गड़बड़ हो जाएंगी कि गणित में आप नेचुरली भी अच्छे नहीं थे कुछ हद तक मतलब समस्या आती थी इंटरेस्ट कम था या वॉटवर और टीचर भी इंटरेस्ट नहीं बना पाया तो गई गाड़ी गड्ढे में मतलब स्पीड या पेस ऑफ लर्निंग आपकी स्लो हो जाएगी उस सब्जेक्ट में वो भी आ गया आपके अंदर या फियर आ गया क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स डैश ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन का क्या मतलब है विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं नाइव कॉन्सेप्शन मिस कॉन्सेप्शन या रॉन्ग कॉन्सेप्शन रॉन्ग इनको नहीं कहते उसका रीजन यह है कि रॉन्ग का मतलब हो गया हम बच्चे ने जो भी अपने अनुभव से सीखा है हम उसको कह रहे हैं कांटा लगा दिया हमने उस पर बेटा ये तो गलत है जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद जिसपे एनसीएफ बेस्ड है जिसकी बात प्याजे और बाइक ऑफ की ब्रूनर सब कर रहे हैं कि बच्चे को सक्रिय रखो बच्चा क्या है लिटिल साइंटिस्ट है नन्ना वैज्ञानिक है एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं प्याजे उनको कि सक्रिय निर्माता है ज्ञान के बच्चे तो अगर हम उनके कॉन्सेप्ट को जो उन्होंने अनुभव के आधार पर सीखा है उनको रॉन्ग कहने लग जाएंगे तो हम उनके अनुभव को शून्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं जीरो कर दे रहे हैं है ना हम महत्व नहीं दे रहे तो इसलिए हम इनको अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं

आर ऑलवेज एक्सट्रीमलीरोनस एंड रिप्रेजेंट इेशनल थिंकिंग प्रोसेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों के जो भी थॉट होते हैं ये पूरी तरह से गलत होते हैं तर्कविहीन होते हैं अत्यंत गलत होते हैं ऐसा हम नहीं मानते बच्चे में बच्चा ईवील है ऐसी भी ये कई बार दे देता है इलास्ट्रेट नाइव थियरीज कंस्ट्रक्टेड इन दी प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग यानी ये नाइव थियोरीज है ये अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी गई सहज संरचनाएं है जो सहजता से उसने अपने अनुभव के बेसिस पे इंट्यूटिवली उसके अंदर से आ गई है अब ये साइंटिफिकली सही है या नहीं है उस पर बाद में आएंगे लेकिन दुनिया की समझ बनाने में बच्चे के ये नेचुरल जो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो वो नए कॉन्सेप्शन याटिव कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है वो उसको मदद करते हैं वो दुनिया की समझ बना रहे अपने अनुभव के आधार पर बाद में उनको कनेक्ट करेक्ट कर देना चाहिए मतलब डिस्कशन के थ्रू चर्चा होनी चाहिए इन चीजों पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे बट हम थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गए इतना आगे नहीं बढ़ना था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा एक बार यानी जब आप एक पढ़ा रहे हैं, तो क्या चीज़ करेंगे? मतलब किसी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है मतलब आप कोई डिस्कशन चल रहा है किसी कॉन्सेप्ट में हम कोई थियरी पढ़ रहे हैं whatever, जो भी आप में कुछ और पढ़ा सकते हैं आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं मान लीजिए अब किस चीज से आप बचेंगे किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय पहला ऑप्शन है मेकिंग कनेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ दी कॉन्सेप्ट के विभिन्न पहलुओं को जोड़ते जैसे अभी हम नाइव जोड़तेप्ट के बारे में भी बात कर रहे थे तो मैंने चीजों को कनेक्ट करके आपको बता दिया 50 तरीके के एग्जाम्पल हुआ कनेक्शन बिल्ड हुआ तो ये तो पॉजिटिव बात है इससे बचेंगे क्यों इसको तो हम प्रोत्साहित करेंगे एनकरेज करेंगे ठीक है उत्तम प्रकाश आगे बढ़े हाईलाइटिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भाई धूप से कपड़े जल्दी सूखते हैं तो कॉज क्या है धूप इफेक्ट क्या है इसका जल्दी सूखना कपड़ों का तो ये भी अच्छी बात है ये भी पॉजिटिव है अवॉइड क्यों करेंगे इसको गिविंग नॉन नॉन रिलेटेड टू भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की examples. Examples क्या है एग्जाम्पल है कि बर्ड्स का आपने एग्जाम्पल दे दिया भाई कबूतर एक बर्ड है कोई और आपने नाम ले दिया मैना नाम ले लिया क्रो के बारे में बात कर ली फिर आपने किसी और चीज को आप लेकर के आए आपने बताया काओ एक बर्ड नहीं होती भाई मतलब नॉन एग्जाम्पल है ये जिससे क्लैरिटी और आ गई कि कौन सा बर्ड नहीं है इससे भी आप उस इनडायरेक्टली उस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं है ना जैसे जब मैं नाइव कॉन्सेप्शन का एग्जाम्पल दे रही हूं मैंने आपको कलरलेस uh, वाटर की बात की और भी कई सारे कॉन्सेप्ट की बात की अब उसमें अगर मैं कोई ऐसा अनुभव पेश कर दू आपके सामने जो सही है बच्चे का तो इनडायरेक्टली आपको जो एग्जाम्पल था उस चीज का वो भी समझ आ गया और इनडायरेक्टली वो उस बात का क्या मतलब है वो भी समझ आ गया तो आसपास की बात भी आप रिलेट करके बताते हैं जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है या उस टॉपिक से डिफरेंट होती है जिसकी वजह से बच्चे को समझ में आ जाता है प्रेजेंटिंग द कॉन्टेंट ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कनेक्टेड इन डिस्कनेक्टेड चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे खराब तरीका है कनेक्टेड चंक कल भी हम बात कर रहे थे जोड़ करके पढ़ाना होता है तोड़ करके नहीं कनेक्ट करते हैं आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाते हैं तो यही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था अवॉइड क्या करेंगे यही करेंगे कि डिस्कनेक्टेड एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट ही नहीं हो रही बच्चों कहां से समझ में आएगा कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए सवाल क्या कहता है लर्निंग इज डैश डैश एंड इन कैरेक्टर अधिगम की प्रकृति कैसी होती है अब ये हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में भी पढ़ा है कहीं ना कहीं है ना तो लर्निंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था एक सोशल एक्टिविटी है यानी ग्रुप में ज्यादा बेहतर होती है जब बच्चे घुल मिल करके सीखेंगे कोलैबोरेट कोऑपरेट करके सीखेंगे और एक्टिव भी रहेंगे एंड एक्टिव इन कैरेक्टर लर्निंग कोई पैसिव चीज नहीं है कि बच्चा बैठा हुआ है बस निष्क्रिय उसको ना आपने मौका दिया है खुद से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कोई एक्टिविटी नहीं कराई उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया पैसे हो गया बच्चा तो पैसे वो सोशल नहीं हो सकती इंडिविजुअल नहीं हो सकती कि अकेला ही सीख ले ग्रुप में लर्निंग बेहतर होगी और सोशल एस्पेक्ट्स मतलब प्रेजेंट लाइफ के लिए वो सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाए तो वो लर्निंग बेहतर मानी जाएगी अगेन पैसिव नहीं हो सकता और इंडिविजुअल भी नहीं हो सकता तो एक ही ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है जो सही है सक्रिय व सामाजिक है अधिगम की जो प्रकृति है और लर्निंग कैसी होती है ग्रेजुअल होती है धीमे धीमे होती है गाना मत गाने लग जाना है ना ग्रेजुअल होती है मतलब आप एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीख जाते एक दिन में स्विमिंग करना नहीं सीख जाते एक दिन में पेडोग्जी भी नहीं सीखेंगे पांच पांच महीने का कोर्स चलता है धीरे धीरे हम पढ़ रहे होते हैं कि एक एक चैप्टर को कई बार एक चैप्टर में दो दो तीन तीन दिन लगाते हैं क्यों क्योंकि लर्निंग ग्रेजुअल है सिलेबस तो एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं सीटेट का तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट और किया भी है मैराथॉन्स में आप देखते हैं लेकिन लर्निंग ग्रेजुअल ऐसा नहीं है एक दिन में आपने पौधे को सारा पानी सारा खाद सारी धूप एक ही दिन में दे दी तो वो बढ़ जाएगा लर्निंग ग्रेजुअली होती है स्टेप बाय स्टेप होती है तो ये भी हमें ध्यान रखना है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर और एक और छोटा सा पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग यानी ना सीखना या भुलाना पुरानी चीज जो आपने गलत सीखी हुई है अनलर्न करना भी लर्निंग का ही पार्ट है तो अनलर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग जब आप अनलर्न कर रहे हैं आपने कोई गलत कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था उसको ठीक कर रहे हैं वो भी लर्निंग का ही हिस्सा है लर्निंग की ही प्रक्रिया का हिस्सा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड देखिएगा कॉम्बिनेशन बना के देखना है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी समस्या समाधान के प्रभावी तरीके अच्छे तरीके बेहतरीन तरीके निमोनिक्स निमोनिक्स हम कितनी बार यूज करते हैं लगभग हर थी का निमोनिक मैंने आपको यूट्यूब में भी दिया हुआ है और ये अपने आप में एक यूनिक चीज है लेट्स लर्न के बारे में कि कि हम निमोनिक का बहुत प्रयोग करते हैं क्यों क्योंकि ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है प्रॉब्लम सॉल्विंग का या दिमाग में याद रखने का भी एक अच्छा तरीका है निमोनिक निमोनिक क्या होता है प्याजे का निमोनिक याद करो एस पी सी एफ सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल ये क्या हुआ शॉर्टकट बना लिया एक तरह का हमने सम पीपल कांट फोकस से बनाया हुआ था हमने लगभग हर हाँ थियरी में ऐसा कुछ किया हुआ है अगर आप वाइगोकी की बात करेंगे तो बीपीएल कार्ड से एस याद कराया था आपको सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज है ना तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास शॉर्टकट्स हैं बात सही है नहीं है जैसे हम जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो एक निमोनिक है ए क्या है एबिलिटी टू लर्न हर बच्चे में है क्रिएटिविटी की क्षमता हर बच्चे में है क्यूरियोसिटी हर बच्चे में है ह्यूरिस्टिक्स क्या होते है? होते हैं हैं फंडे किसी समस्या को सॉल्व करने के शॉर्टकट्स एक तरह के शॉर्टकट्स भी ना के हम इनको कहेंगे कि ये आ, कुछ रूल ऑफ थंब है कि जो चीज काम करती है कि जैसे रिमोट चल नहीं रहा तो रिमोट को आप क्या करते हैं ये करते हैं अभी आपका फंडा है एक ह्यूरिस्टिक है एक शॉर्टकट है एक शॉर्ट वे है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है ना तो ये ह्यूरिस्टिक है आपने देखा होगा कुछ लोगों की बाइक में पेट्रोल ख, खत्म हो जाता है तो वो ऐसे से उसको एक साइड करेंगे या घर में गैस का सिलेंडर भी आपने कभी देखा ही होगा तो ये ह्यूरिस्टिक्स है हमारे छोटे मोटे फंडे हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के तो ये भी होते ये भी भी हेल्पफुल हेल्पफुल होते होते हैं हैं फंक्शनल फिक्सनेस जो है वो हेल्पफुल नहीं हो सकती लर्निंग में ये एक तरह का मेंटल सेट है है ना एक तरह का मेंटल सेट है मेंटल सेट पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले मतलब फिक्स्ड माइंड सेट है रिजिड माइंडसेट है कि, कि किसी भी समस्या कोई भी हो दुनिया की तरीका एक ही है सॉल्व करने का अब जब समस्याएं अलग है तो एक तरीके से थोड़ी सॉल्व हो जाएंगी इसको प्रकारात्मक स्थिरता कहते हैं फंक्शनल फिक्सनेस मतलब आपका दिमाग जो है डिफरेंट तरीके नहीं सोच पाता किसी चीज के समाधान के तो ये नेगेटिव है इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग में समस्या बनती है ये चीज एल्गोरिथम्स जो है वो पॉजिटिव बात है कलन विधि जिसको हम कह रहे हैं एल्गोरिथम्स क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं क्यास्ति? आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इक्वेशन है या फिर ये एल्जेब्रिक एक एक्सप्रेशन है जो आपको देखना है तो आपको पता है यार ये वाला फॉर्मुला लगाएंगे प्लस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कोई थियरम प्रूव करनी है तो ये एल्गोरिदम हैं जो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होते हैं तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम आते हैं कोई भी क्वेश्चन आपके सामने तो आप एल्गोरिदम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट तो सही है सेकंड सही है फोर्थ सही है, थर्ड गड़बड़ है जहां भी थर्ड है, उसको हटाते जाओ फटाफट से एक ही ऑप्शन बचेगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ। जवाब आप में से लोग, 44 लोग पदार्थ का सेवन है ये फंक्शनल नेगेटिव होती है सरकार चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड देखिए यह है कथन है हमारे पास आ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर देयर आइडियाज इवन इवन इफ इफ दे दे आर रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट अबाउट द यानी कि अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए भाई हम कहते हैं ना कई बार हमारे कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं जो हमेशा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा गलत बता दो बट बताओ मतलब जो भी बताए उस चीज के बारे में बताओ कि एटलीस्ट बच्चा एक्सप्रेस तो करे तब तो आप जान पाओगे वो सोचता कैसे और उसको ठीक कैसे करना है बात सही है नहीं कोई कह रहा है मार्च से आए हैं मैम बहुत बढ़िया वापस आने की क्या जरूरत थी वहीं रह जाते <laughs> हाँ कलन विधि पॉजिटिव वर्ड है एल्गोरिथम्स आर गुड बट हर जगह लागू होंगे वो जरूरी नहीं है आपको प्रॉब्लम भी देखनी होगी अब क्रिएटिविटी में एल्गोरिथम बहुत ज्यादा अच्छे साबित नहीं हो पाएंगे इफ दे रिप्रेजेंट मिस अबाउट द कॉन्सेप्ट यानी भ्रांतियां ही क्यों ना हो लेकिन बच्चे को एक्सप्रेस करने देना है बात तो सही है रीजन क्या है प्शन रिप्रेजेंट नाइव थियरीज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड आर मीनिंगफुल इन लर्निंग प्रोसेस आप इनको इंपॉर्टेंट मानते हैं कि बच्चा एटलीस्ट अपने मिसकॉन्सेप्शन को यदि शेयर ही नहीं करेगा आप ठीक कैसे करा पाएंगे वो ठीक कैसे सीख पाएगा तो ए ऑप्शन इज सही कि भाई बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ देखिए एक बार क्या कहता है भाई ये छह क्वेश्चन और हैं किसी को सेवनटीन क्वेश्चन में डाउट था कराएंगे डोंट वरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इमोशंस एंड कॉग्निशन इमोशन एंड कॉग्निशन पे एक क्वेश्चन आता ही है पहला है हाई एंजाइटी इंप्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अगर आप बहुत एंग्शियस हैं बहुत दु, दुश्चिंता में हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है इससे जो आपका नॉर्मल दिन का काम है ना दिनचर्या भी लोग ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते दिन भर में है ना जब एंजाइटी ज्यादा होती है तो तो दुश्चिंता से इंप्रूव कुछ नहीं होता इंप्रूव होता है आपका इनएक्टिव होना कि आप जो चीजें नॉर्मल भी दिन भर के काम अपने कर सकते थे हर चीज में आपको समस्या आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो दूर की बात है छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी नजर आएगी क्योंकि आप आप हैं हैं आपके इमोशंस इमोशंस नेगेटिव फील कर रहे कहीं ना कहीं मॉडरेट एक्साइटमेंट इम्प्रूवस इन्वॉल्वमेंट एंड लर्निंग ये बात एकदम उचित है 68% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देता है मतलब आप ओवर एक्साइटेड हैं अगर तो भी आप ब्लेंडर कर देते हैं कई बार और अगर आप बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है तो आप तो एक्साइटेड ही नहीं है क्या मतलब मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए केंद्रीय विद्यालय में आपको जीरो इंटरेस्ट है उसमें तो हो, होगा क्या आप ठीक से बताएंगे नहीं आपको जो भी आता होगा आप कहेंगे पूछ लो जिससे पूछना है, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं हुआ या, या बैठी हूं यहाँ तो ये क्या हुआ आप एक्साइटेड बिल्कुल नहीं है जीरो परसेंट इंटरेस्ट हो गया अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हाईली एक्साइटेड है तो हो सकता है आप कुछ गड़बड़ कर जाए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में लेकिन मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट यदि है संतुलित उत्साह है हाँ यार देखते हैं, कुछ नया सीखेंगे आज, नौ बजे, सीखते हैं कुछ तो ये आपको हेल्प करता है कोई मोटिवेशन नहीं आती गड़बड़ हो जाती है शेम से नेगेटिव इमोशन है तो कॉग्निशन इमोशन इंटर रिलेटेड है लेकिन पॉजिटिव इमोशन जो है वो आपको में आपकी हेल्प करते हैं आपके संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं मेंटल प्रोसेस में

बड़ा यूनिक है अच्छा अच्छा लगता है मैडम जी धन्यवाद ऐश्वर्या आंसू आ पढ़ के देखिए मास्टरी मास्टरी ओरिएंटेड ओरिएंटेड यानी कि उन्मुखी गोल्स को सेट करें बात तो सही है इस मास्टरी को वो लर्निंग ओरिएंटेड गोल भी कह सकता था यानी सीखने को केंद्र में रखा जा रहा है ऐसे गोल्स जहां सीखने पे फोकस है एक्सीलेंस के पीछे भागो सक्सेस मार्ग के पीछे आएगी बार बार याद रखना है मास्टरी ओरिएंटेशन में यही होता है कि आप किसी चीज के मास्टर बन जाए अपने आप फिर आप अच्छा करेंगे उसमें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है बस फर्स्ट आना है कुछ भी करके रट्टा लगाओ कुछ भी करो फेलियर एक्सेप्टिंग कोई गोल होता ही नहीं है क्योंकि आप कुछ भी काम करते हैं फेलियर के लिए थोड़ी करते हैं फिर आप करेंगे क्यों अगर आपको फेलियर ही चाहिए तो।, तो यही होती है ना कि कुछ सीखेंगे कुछ पाएंगे कुछ तो होगा ना उसके पीछे सक्सेस अवॉइडेंस ये भी नहीं होता फेलियर अवॉइडेंस होता है सक्सेस अवॉइडेंस कोई गोल नहीं है तो प्रदर्शन उन्मुखी ना होकर के हमें महारत या अधिगम उन्मुखी गोल्स को सेट करना है

मेरी बेटी ईवीएस का क्लास करती है एट इयर्स की है हाँ डॉक्टर पुष्पांजलि जी ऐसे कई सारे लर्नर्स है हमारे जिनके बच्चे ये वाली क्लासेस करते हैं बड़ा मजा आता है और ये सुन करके चलिए खैर आते हैं समझते हैं कहानी क्या है डैश इन्फ्लुएंस लर्निंग पॉजिटिवली वाइल्ड डैश इन्फ्लुएंस लर्निंग नेगेटिवली मतलब कोई एक चीज है जो सकारात्मक रूप से अधिगम को प्रभावित करती है और दूसरी चीज है जो नकारात्मक रूप से करती है तो सबसे पहले इन्फ्लुएंज पॉजिटिवली पॉजिटिव ढूंढो यहाँ पे ब्रेन ग्रुप में बच्चों को बिठाया और किसी को प्रॉब्लम दे दी उनको और वो ग्रुप में सॉल्यूशंस बता रहे हैं अलग अलग इसको कहते हैं मस्तिष्क उद्वेश उद्वे, उद्वे, कुछ तो बोलते हैं हिंदी में आ, मस्तिष्क उद्वेलन बोलते हैं उसको कि मतलब ब्रेन में स्ट्रॉन्ग तूफान आया हुआ है दिमाग में आइडियाज का तो ग्रुप में बैठ के जब बच्चे अलग अलग आइडियाज तो इससे क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंप्रूव होती है ये एक पॉजिटिव वर्ड है बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट ही पॉजिटिव है कॉन्सेप्ट मेकिंग जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग कि आपने प्याजे का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे चार चीजें और रिलेट कर दी एक डायग्राम बना लिया एक फ्लो चार्ट बना लिया तो ये नेगेटिव कैसे हो जाएगा ये ये भी पॉजिटिव है तो ये तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए हमें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए पैसिव इमिटेशन नेगेटिव है और हमें पहले पॉजिटिव चाहिए बाद में नेगेटिव चाहिए इन्होंने उल्टा कर दिया इंक्वायरी पॉजिटिव थी डिस्कशन पॉजिटिव होता है चर्चा हमेशा पॉजिटिव होगी क्रिटिकल थिंकिंग भी पॉजिटिव होगी तो इसको भी नेगेटिव कैसे कहें तो इनका बन ही नहीं पा रहा पेयर स्कीमा एक्टिवेशन और लर्निड हेल्पलेसनेस क्या है एक समस्या है स्कीमा सक्रियता क्या है कि बच्चे में आप स्कीमा बिल्ड करा रहे हैं उसके स्कीमा में जो भी चीजें पहले से हैं या तो उससे कनेक्ट करा दे रहे हैं चीजें या फिर नया स्कीमा बिल्ड कराने में मदद कर रहे हैं एक पॉजिटिव बात हो गई स्कीमा बिल्डिंग जबकि अधिगम और शक्तता या लर्निंग हेल्पलेसनेस जिसको हम कहते हैं ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज है जैसे फंक्शनल फिक्स्डनेस है ना कि एक ही तरीके से आप हर समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी कुछ नहीं रहती इसी तरह से लर्नेड हेल्पलेसनेस भी एक चीज है जो जीवन में बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है और बच्चे के लिए भी नेगेटिव है हेल्पलेसनेस जैसा कि पढ़ के समझ पा रहे हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस क्या सीखा है आपने क्या सीखा है हेल्पलेस होना सीखा है कुछ अच्छा सीख लेते खैर मैं मजाक कर रही हूं अधिगम अशक्तता है कि आपने सीखा है लर्न किया है अशक्त होना हेल्पलेस होना मतलब आपके कई सारे एक्सपीरियंसिस खराब होने की वजह से अब आप ये मानने लगे हैं कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं या किसी ने कह दिया लड़कियां गणित में अच्छी होंगी ही नहीं और आपने ट्राई किया थोड़ा दिक्कत हुई कुछ और रीजन के कारण आपने मान लिया मेरे से तो होगा ही नहीं गणित है ना दो तीन ब्रेकअप हुए आपको लग रहा है आपको तो कोई मिलेगा ही नहीं जीवन में ये क्या है लर्निड हेल्पलेसनेस है चार जगह पे नौकरी के एग्जाम्स दिए फेल हुए चाहे एक एक नंबर से रहे आपने मान लिया मेरे को तो नौकरी मिलेगी ही नहीं जबकि हमें वो एफर्ट में देखना होता है कि हम कहा क्या चीजें ठीक करें ये बिलीफ सिस्टम खराब है हेल्पलेसनेस वाला ये नेगेटिव है लर्निंग में बाधा बनता है हमेशा तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पे अगेन ये वाले क्वेश्चंस काफी पूछे हैं इन टॉपिक्स में अजर्शन और रीजनिंग वाले स्टेटमेंट क्या है आ टीचर शुड चूज पेडोगॉजी यानी मैथड्स पेडोगॉजी वर्ड जहां यूज हो रहा है दैट मीस टीचिंग मैथड्स की बात हो रही है साइंस ऑफ टीचिंग आर्ट ऑफ टीचिंग वेज ऑफ टीचिंग की बात हो रही है तो कौन सा तरीका टीचर को चूज करना चाहिए पढ़ाने का एंड कॉन्टेंट विच नॉलेज एंड एडवांस हायर ऑर्डर स्किल्स अमॉंग स्टूडेंट्स यानी कि नई नॉलेज बच्चे में बन पाए और जो उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो बेहतर हो पाए बच्चे में इसके लिए कौन सा मैथड टीचर को यूज करना चाहिए बताइए मतलब ऐसा मेथड टीचर को यूज करना चाहिए जिससे ये सारी चीजें हो पाए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स की तरफ बच्चा जा पाए जिसमें ज्यादा जो ब्रेन की हायर एबिलिटीज हैं वो यूज हो जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गया डिसीजन मेकिंग हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया इसका रीजन क्या दिया है चिल्ड्रन हैव एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट न्यू नॉलेज यानी बच्चों में क्षमता होती है कि वो कुछ नया सीख सकें इसलिए आपको ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करना है जिसमें उनका दिमाग उच्च स्तरीय लेवल पे जा सके दोनों ही बातें सही हैं एकदम एक दूसरे के बारे में ही बात हो रही है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सिंपल सरल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखिए माया एक बच्ची है चौदह साल की समझिएगा माया आ फोर्टीन ईयर ओल्ड गर्ल लर्न टू पेंट बाय वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज ऑफ आ यंग पेंटर शी बिलीव दैट शी इज कैपेबल ऑफ पेंटिंग एंड फॉलोज दी प्रोसीजर्स डिलीजेंटली मायाज लर्निंग कैन बी टर्म डेस्ट ये एक नया क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए एक नंबर इस पे आता था कई बार मिस भी हो जाता है चौदह वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है जैसे आप एक युवा शिक्षिका के वीडियो देख के सीटेट में पेडागोलॉजी सीख रहे हैं है ना ऐसे देख रहे हो नार्थम के एकदम ऊपर वाले लेवल पे मैं पहुंच चुकी हूँ <laughs> मजाक कर रही हूँ देखो माया आप मायाटीन ईयर ओल्ड एक माया एक चौदह साल की बच्ची एक टीन गर्ल है जो पेंट करना सीखती है किसी एक यंग आर्टिस्ट के यूट्यूब वीडियोज देख करके बात ठीक है शी बिलीव दैट शी इज आपके पेपर में भी यूट्यूब आ गया अब तो देख रहे हो शी बिलीव दैट शी इज कैपेबल ऑफ पेंटिंग एंड फॉलोज द प्रोसीजर्स डिलीजेंटली उसको लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ पेंटिंग मुझे आ रही है सीख पा रही हूँ मैं ये देख करके कोई इंग्लिश बोलना सीख सकता है कोई और कुछ काम करना सीख सकता है और वो प्रोसीजर्स जो जो बताए जा रहे हैं वो सीरियसली फॉलो कर रही है कि भाई ये वाले तरीके हैं प्रीवियस ईयर कर लो मैराथन देख लो कर रही है बच्चे वो अपने फील्ड में आप अपने फील्ड में मायाज लर्निंग कैन बी टर्म डेस्ट इस लर्निंग को क्या कहेंगे कोलेबरेटिव कहेंगे तो माया तो अकेली वीडियो देख रही है और कर रही है इसमें कोई दूसरा बच्चा लोग ग्रुप तो शामिल नहीं है तो कोलेबोरेटिव लर्निंग अकेले तो होती नहीं है पैसिव तो ये है नहीं क्योंकि बच्चा एक्टिव तो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अवलोकनात्मक अधिगम है बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो अवलोकन करके जैसे वो वीडियो में देख रही है सुन रही है उस आधार पर वो सीखने की प्रक्रिया में है ठीक है दीक्षा मीनाक्षी खुश हो आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मेटा कॉग्निशन होता है कि जब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग वो रिफ्लेक्ट करे चेंज करे अपना प्लान रिव्यू करे ऐसा कोई वर्ड यूज हुआ होता तब तो जाते ना बियॉन्ड कॉग्निशन यहां पे तो सिंपल वो अवलोकन कर रही है जैसे जैसे प्रोसीजर बताया गया है वैसे वैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वो कर पा रही है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कॉन्प्ट कौन देता है बेंड्यूरा देते हैं थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि कल के लिए आसान हो जाएगा जब ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो क्योंकि ये लर्निंग के चैप्टर से जुड़ा हुआ है आपको सिलेबस में नहीं मिलेगी ये थ्योरी लिखी हुई बट इस थे अक्सर क्वेश्चन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अवलोकनात्मक अधिगम कहते हैं इसको कि आप चाहे इंटरनेट पे कुछ देख रहे हैं चाहे आप किसी व्यक्ति को अपने सामने करते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं और जैसे आप रोटी बनाना सीखते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ना आपने ऑब्जर्व किया मम्मी ये करती हैं फिर उसके बाद ये करती हैं आप खाना बनाना सीख रहे हैं आप साइकिल चलाना भी कुछ हद तक कह सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें आप और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू सीखते हैं अवलोकनात्मक अधिगम जिसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं आप तो एक तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेंड्यूरा अपनी थ्योरी में देते हैं एल्बर्ट बेंड्यूरा नाम है बंदूरा कह देते हैं हिंदी में ठीक इन्होंने सोशल कॉग्नेटिव लर्निंग सोशल लर्निंग थियरी इस पर चर्चा नहीं करते हैं आपके सीटेट के काम करनी है बैच में

अगर आपका आज भी ध्यान नहीं है यहां तो नहीं सीख पाएंगे अटेंशन चाहिए रिटेंशन क्या है दिमाग में वो चीज टिकनी चाहिए है ना अवधान उस चीज का पहले अवधान गया फिर वो धारण की ब्रेन में पी फॉर प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन भी कह देते हैं कि आप फिर उस चीज को प्रोड्यूस करके देखते हैं खुद से करके देखते हैं माया ने खुद से ट्राई किया उसको री मिला उसको खुद ही लगा कि भाई मैं ये चीज कर सकती हूँ यानी मोटिवेशन भी कह सकते हो आप इसको एक तरह का तो ये चार स्टेप चलते रहते हैं रिपीटेडली कि आपका ध्यान जाता है किसी चीज पे आप उस चीज को दिमाग में रखते हैं फिर अगली बार खुद से करके देखते हैं कोई गलती होती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं नहीं तो री मिलता है फिर से उसको बेटर बनाते हैं जब पहली बार रोटी बना रहे हैं भारत का नक्शा बना अगली बार थोड़ा बेटर किया है ना तो ये चार स्टेप्स के थ्रू ये प्रोसेस होती है इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वाइकेरियस लर्निंग का जिसको हम अप्रत्यक्ष अधिगम कहते हैं कई लोग इसको बिल्कुल ही गलत बता देते हैं वो कहेंगे प्रत्यक्ष अधिगम जबकि ये अप्रत्यक्ष है वाइकेरियस है प्रत्यक्ष का मतलब क्या है आप जब सुनते हैं कि रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति की जो बच्ची है या बच्चा है वो आई बन गया अब आप तो नहीं बने हो ना वो आपके पड़ोस में रहता है लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से आप मोटिवेट हो गए कि यार मैं भी तो कर सकता हूं फिर मेरे पास तो संसाधन है काफी तो ये क्या हुआ वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट हो गया उस केस में वाइकेरियस पनिशमेंट कैसे होगी आपके भाई बहन को दो थप्पड़ लगे और आपको भी डर लग गया पनिशमेंट आपको भी मिल गया इनडायरेक्टली आप भी चुप हो गए वाइकेरियस लर्निंग ऐसे हो सकती है कि आपने इनडायरेक्टली किसी को कुछ करते हुए देखा और सीख लिया किसी और की गलतियों से सीख लिया तो वो भी वाइकेरियस लर्निंग है चलिए खैर इतना ही काफी है इसके लिए तो

पेपर टू के लिए सी क्लास करनी होगी क्या भाई इसमें पेपर वन पेपर टू दोनों के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं टॉपिक सेम है सिलेबस सेम है लेवल में भी रत्ती भर का फर्क नहीं है अगर आपको पता भी नहीं लगेगा आप पेपर वन के क्वेश्चन कर रहे हैं पेपर टू के अलग से नहीं कराना वो सिलेबस दोनों का बिल्कुल सेम है इसी में आपके पेपर वन में भी तीस में से तीस आ सकते हैं इन्हीं क्लासेस को अटेंड करके और पेपर टू में भी डोंट वरी बिल्कुल निकल सकता है प्रीतम मेहनत कर लो अच्छे से पॉसिबल है 81 लोग कह है रहे हैं क्लासरूम इज फियरलेस यानी अधिगम तब अच्छे से होगा जब बच्चे न हो अपने टीचर से से। बात सही है। इग्नोर कर दे टीचर बच्चों को। बच्चे बन जाएंगे फिर तो। बहुत अमूर्त है यानी जिससे बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता और जटिल है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना था इन्होंने तो गड़बड़ कर दी स्टूडेंट्स ओपिनियंस आर नॉट अकाउंटेड इन डिस्कशन बच्चों की जो भी विचार है उनको लाया नहीं जाता अकाउंट में यानी उनको इंक्लूड ही नहीं किया जाता सबसे बेहतर यहां यही है कि क्लासरूम यदि फियरलेस एनवायरमेंट होगा बच्चे खुलकर अपनी बात के लिए सवाल, में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए प्रमोट करना चाहिए बताइए एक बार फटाफट से बताइए आप मेरी बात नहीं सुनती हो मैम गेन स्कोर कह रहे हैं यार आप कुछ सोचो ना अभी भी हम बारह हजार लोग हैं थोड़े पहले से भी ज्यादा थे अगर सिर्फ 200 लोग भी बैठे हों तो सोचो कितना मुश्किल होगा सबकी बात सुनना है ना यहाँ तो हम हजारों की संख्या में हैं तो थोड़ा सा समझने कोशिश की कोशिश क्या करो ऐसा नहीं है मैं जितना कोशिश करती हूँ कि पढ़ पाऊं क्योंकि अगर मैं बीच में कॉमेंट ही लेती रहूंगी तो फिर हमारा डिस्कशन नहीं हो पाएगा और सबके कॉमेंट्स फिर भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे क्वेरीज सबकी विच ऑफ द फॉर शुड भी प्रमोटेड अमांग लर्नर्स किस चीज को प्रमोट किया जाना चाहिए रोट रटने को नहीं रटन विद्या चलंत नहीं क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको डालता है इक्कीसवीं शताब्दी के कौशल हैं डिजिटल लिटरेसी कि आपको इंटरनेट कंप्यूटर ये सब चलाना आना चाहिए एज अ टीचर क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए है ना और भी इस तरह के बहुत सारे है ये मैंने नोट्स में दिए हुए ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स वाली बात फंक्शनल फिक्सनेस एकदम नेगेटिव है कि आपको एक ही तरीका आता है किसी चीज को सॉल्व करने का कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए जिससे कि दिशाओं में सोच करके सॉल्यूशन आप निकाल पाए कन्वर्जेंट से डाइवर्जेंट थिंकिंग एनी डे बेटर है ऐसा नहीं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग कोई प्रॉब्लमेटिक बात है ये भी अच्छी चीज है जैसे आपको इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना था तो आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ा दिशाओं से एक पॉइंट पे आना पड़ा ठीक है ना Divergent thinking, लेकिन हम बेटर मानते हैं क्योंकि वहाँ ओपन एंडेड थॉट है क्रिएटिविटी बेहतर होती है आपकी और क्रिटिकल थिंकिंग से भी क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सोल्विंग डिसीजन मेकिंग ये सब अच्छी होती है ठीक है ना तो ये एक बेसिक सी बात हुई आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन कितने आपने ठीक किए ये आप बता दीजिए अगर आप सी के बैच में या फिर अदर बैचेस में भी एनरोल होने के इच्छुक हैं बीपीएससी जैसे बैच में तो आप करियर विल एप डाउनलोड करके वहां एनरोल हो सकते हैं बहुत ही मजे से सारे टीचर्स डिस्कशन कर रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो वो भी कर दीजिए इसके अलावा आउट ऑफ थर्टी कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे सेवनटीन क्वेश्चन में किसी का तो डाउट था एक बार में आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूं है ना देखिएगा एक बार तो अगर हम बात करते हैं यहां किस चीज की स्टूडेंट्स फील मोर इन्वॉल्व एंड yani, एंगेज इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन क्लास रूम यानी बच्चे ज्यादा एंगेज ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे ज्यादा इन्वॉल्व मसूस करेंगे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे क्लास रूम में कब जब उनको इंक्वायरी का मौका मिले बात तो सही है इंक्वायरी में क्या होता है बच्चे एक्टिव रहते हैं जिज्ञासा का मौका मिल रहा है क्वेश्चन पूछ रहे हैं चीजें कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑन देर थॉट जो उनके विचार है उनपे वो विमर्श कर पा रहे हैं चिंतन मनन कर पा रहे हैं प्रकाश डाल पा रहे हैं पैसिव इमिटेशन ऑफ द टीचर यानी जो टीचर पढ़ा रहे हैं बस उसकी नकल करते रहो निष्क्रिय रूप से बस रटते जाओ उसी बात को रिपीट करते रहो या लिखते रहो

निमीषा कह रही है हो सकता है हिंदी में गड़बड़ो हिंदी में क्वेश्चन बहुत बढ़िया देखो कितने हजार लोगों में आप लोग पकड़ लेते हैं इस तरह की चीजें आपको डाउट आ जाता है और मैं देख लेती हूँ बाय चांस ये बहुत ही खुशी की बात है तो अगर हम बात करें विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रियाओं में अधिक प्रक्रिया और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा अपने विचारों पर विमर्श चिंतन अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण गलत है ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन ये भी गलत है

और कल होपफुली क्लास होगी शायद मैं बता दूंगी आपको जैसे भी होगा जहां तक रखेंगे नौ बजे क्लास चलिए टेक केयर बाय बाय कल मिलते हैं धन्यवाद आपका आउट ऑफ थर्टी कितने ठीक हुए वो जरूर बता के जाना ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन हाँ ये आसान क्वेश्चन है और कल भी हम करने वाले हैं इस पर काम चलिए ध्यान